सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। मोदी का कांग्रेस परिवार जब पोलिंग बूथ पर बटन दबाएं तो जय बजरंगी बोलकर सजा दी। पीएम को नालायक कहने पर खड़गे के बेटे को नोटिस। चुनाव आयोग ने पूछा आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लें। सीजी में बजरंग दल को बैन करने की सोचेंगे सीएम भूपेश बोले, ये बजरंग बली के नाम पर गुंडागर्दी करें जो ठीक नहीं है। राजस्थान के मंत्री मेघवाल बोले, कर्नाटक राजस्थान अलग अलग नहीं, जय श्री राम के नारे के साथ अपराध की छूट नहीं। जंतर मंतर पर रेसलर्स की पुलिस से झड़प, बेड ले जाने पर विवाद, पहलवानों का आरोप नशे में पुलिस वालों ने पीटा, अपशब्द कहे। डरो मत हम सब साथ है पहलवानों, पुलिस की धक्का मुक्की पर कांग्रेस बोली, मोदी जी अन्याय क्यों कर रहे हैं। कर्नाटक की रैली में असदुद्दीन ओवैसी बोले, छत्रपति शिवाजी महाराज की मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज की व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका। अपने फैसले पर अड़े शरद पवार, नए अध्यक्ष पर मंथन शुरू, संकट में वहां विकास अघाड़ी का अस्तित्व। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बोले, प्रवासी मजदूर पर दिए गए मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मोदी के वार पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, प्रधानमंत्री हैं रोइए मत, आप सवाल का जवाब दीजिए। टीएमसी नेता के घर पर आईटी का तलाशी अभियान, आय से अधिक संपत्ति के मामले में हुई कार्रवाई, भाजपा की टिकट पर जीता था चुनाव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, छोटे दल बन सकते हैं जीत में बाधक, बड़े दलों के लिए सिरदर्द बनी छोटी पार्टियां, वोट काटने का डर। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत, सभी एक ही परिवार के, बच्ची और 5 महिलाएं शामिल, शादी में जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश, कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला। निकाय चुनाव की वोटिंग, सीएम योगी ने वोट डाला, आगरा में 3 बूथ पर ईवीएम खराब, लखनऊ में खरकवाल बोली, बूथ खाली पड़े हैं, वोट डाले। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया मतदान, 13.66 लाख वोटर्स चुनेंगे शहर की सरकार, योगी ने कहा वोट अवश्य दें। प्रयागराज में मतदान बूथों पर लगी लाइन, महापौर के लिए 21 प्रत्याशी मैदान में, 15.70 लाख मतदाता चुनेंगे शहर की सरकार। यूपी में अर्धसैनिक बलों की निगरानी में मतदान, 2.5 लाख सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, मतदान केंद्र पर मोबाइल प्रतिबंधित है।
अमरोहा में निकाय चुनाव की वोटिंग बूथों पर लगी मतदाताओं की लाइन, खूब दिख रहा है उत्साह, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गोंडा के 10 नगर निकायों में हुआ मतदान, पहली बार बनाए गए पिंक बूथ, 114 केंद्रों पर डाले जा रहे हैं वोट। बरेली में कबाब कारीगर की गोली मारकर हत्या, स्वाद न आने पर हुआ था विवाद, इनोवा सवार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया है। यूपी एसटीएफ ने पूरे किए 25 साल, श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर असद एनकाउंटर तक न्यूयॉर्क पुलिस से लिया था आइडिया। मेरठ में वोट के बदले बिरयानी की लूट, सपा के पार्षद प्रत्याशी की दावत में बिरयानी की छीना झपटी, नहीं मिली तो देखकर घसीट कर भागे लोग। शाते टमाटर ने साथियों संग की थी गोरखपुर में लूट, 3 बदमाशों को एसटीएफ ने अरेस्ट किया, गैंग के निशाने पर होते करेंसी कन्वर्जन कंपनी के कैरियर। शेरपुरिया ने जांच बंद कराने के लिए 6 करोड़ रुपए उद्योगपति से लिए थे, पैसे का हिसाब दिया गया, ईडी और एसटीएफ भी अभी भी कर रही है पूछताछ। सीतापुर में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान प्रक्रिया, मतदान लाइन में लगातार मतदाता का अपना प्रयोग कर रहे हैं, 542 बूथों पर हो रहा है वोट। सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा में शामिल चंद्रेश सिंह समेत पूर्व सचिव ने भी थामा भाजपा का दामन, कई अन्य भी बदल सकते हैं पाला। जालौन में 4 नपा 7 नंप सीटों पर वोटिंग, 97 अध्यक्ष और 184 वार्ड सभासद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज। सुल्तानपुर में कीचड़ में फिसल कर गिरी मेनका गांधी, बोली मैंने डीआरएम को फोन कर कहा एक महीने में सड़क बन जानी चाहिए। व्यापारी दंपति की सड़क हादसे में मौत, देर रात सुल्तानपुर से आजमगढ़ पहुंचा शव, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुआ था हादसा। हरदोई में डीजल से नहाई महिला पहुंची थाने, मचा हड़कंप, सास और देवर पर जिंदा जलाने का लगाया आरोप। सोनभद्र में दोस्त की पत्नी के साथ गैंगरेप, जबरन शराब पिलाकर घटना को दिया अंजाम, बेटी को घर के बाहर भगा दिया गया था। बलिया में ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, कुआई पार के रेलवे क्रॉसिंग के समीप मिला शव, पुलिस ने कब्जे में लेकर मॉर्चरी भेजा है। बलिया में अलग अलग घाट पर 2 युवक डूबे, गोताखोर तलाश में जुटे, मुंडन संस्कार में शामिल होने गए थे दोनों। शामली में बीजेपी समर्थकों का पीटने का आरोप, पीड़ित बोला सपा का समर्थन नहीं देने पर पीटा गया है, आरोपियों के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। रामपुर में फिल्म देख रहे युवक की मौत, सिनेमा हॉल में सीट पर पड़ा मिला, पुलिस ने मॉर्चरी में भेजा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल, बोले निकाय चुनाव में बंपर जीत होगी। चौबीस घंटे में 6 लोगों ने किया सुसाइड, 4 युवक व नाबालिग ने मानसिक तनाव व 2 बुजुर्गों ने बीमारी से उबर कर दी जान। मंडल लोकपाल की गाड़ी में ऑटो ने मारी टक्कर, मेरठ में हादसे के बाद चालक फरार, परिवार के साथ शादी में जा रही थी अधिकारी।
हाथरस में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का फूका पुतला, कांग्रेस मुर्दाबाद के लगाए नारे। कौशाम्बी में कई बूथों पर जलभराव, कर्मचारी गंदे पानी की निकासी में जुटे, सुबह 4 बजे तक हुई बरसात। पंकज जोली ने थामा कमल का दामन, मेरठ में बसपा से विधायक प्रत्याशी पंकज जोली बीजेपी में शामिल हुए। बदायूं में होगा भव्य कवि सम्मेलन, डॉक्टर उर्मिलेश की स्मृति में उनकी 18वीं पुण्यतिथि, परियोजना का विभूतियों का होगा सम्मान। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री ने की बैठक, कहा सभी को अपने बूथ पर विजय दिलाने की जिम्मेदारी निभानी है। धामी सरकार का बड़ा फैसला, बंटवारे के बावजूद यूपी ने संपत्तियों के बेचने का प्रस्ताव लटकाया, 17 साल से भटक रहे लोग। उत्तराखंड में हेली सेवा के लिए उत्साह, 38 मिनट में ही फुल हो गई, 10 मई के लिए टिकट की बुकिंग की गई है। उत्तराखंड में 3 दिन बाद बारिश बर्फबारी से मिली राहत, अगले 2 दिन में ऐसा ही रहेगा मौसम। उत्तराखंड में मौसम की दुश्वारियों के बीच तीर्थयात्रियों में उत्साह, अब तक 3.52 लाख से अधिक कर चुके हैं दर्शन। उत्तराखंड की राजधानी में रिजर्व फॉरेस्ट में बनी 7 मजारों पर चली जेसीबी, किसी को नहीं लगी भनक। मंत्री का नाम आते ही छिटक गई पुलिस की कलम, सीधे नहीं बना पाए आरोपी, बलवा और मारपीट की धाराएं भी लगाई गई। उत्तराखंड में हेली सेवा का फर्जी टिकट भेजकर पर्यटकों को बनाए ठगी का शिकार, टिकट बुकिंग से पहले बरते ये सावधानियां। उत्तराखंड के बिरही निजमोला मार्ग पर खाई में गिरी बोलेरो, 5 लोग लापता, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्च में हिमखंड जोन में फंसे 4 पोर्टर, एसडीआरएफ ने किया सकुशल रेस्क्यू। उत्तराखंड में 6 साल बाद होगी यूसेट परीक्षा, कॉलेज और वीवी में हो सकेगी सहायक प्राध्यापक की तैनाती। उत्तराखंड के काशीपुर में पूर्व पार्षद की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तराखंड में विभागों ने अपने अपने हिसाब से तय किए सुगम दुर्गम की परिभाषा, तबादलों में पैदा हो रही है विसंगति। सोनप्रयाग से केदारनाथ भेजे जाएंगे यात्री, डीजीपी और एसपी ने धाम में ही जमाया डेरा, केदारनाथ के लिए पैदल यात्रा शुरू। देहरादून में ऑर्केडिया चाय बागान की 719 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा ट्वीन सिटी, सरकार देगी सभी सुविधा। यूके SSSC समूह ग की 3 भर्तियों में शामिल नहीं हो पाए 184 अभ्यर्थी, पेपर लीक मामले में मिले थे नोटिस। बारह साल बाद भारत दौरे पर पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने 2014 में कहा था कश्मीर का 1-1 इंच वापस लेंगे।
सर्बिया के स्कूल में फायरिंग, 9 स्टूडेंट्स की मौत, मारे गए स्टूडेंट्स की एक ही क्लास के हैं, 14 साल का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। चीन के चार समुद्र में ड्रैगन की हरकत, हिंद महासागर में चीनी युद्धपोतों की मौजूदगी, दोगुनी हलचल तेज। बिलावल के भारत दौरे पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, दिखावे के लिए सही, कम से कम कड़वाहट दूर करने की शुरुआत तो कीजिए। अफगानिस्तान में रोज 167 बच्चों की मौत, तालिबानी सत्ता में चरमराए हेल्थ सेक्टर, 60 बच्चों पर सिर्फ 2 नर्स। पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक की कोशिश, रूस बोला राष्ट्रपति को मारने की साजिश थी, जेलेंस्की ने कहा हमारे पास इतनी ताकत ही नहीं। पुतिन पर हमले के आरोपों के बीच रूस ने तेज किए यूक्रेन पर हमले, क्यों से ओडिशा तक धमाके, खेरसिन में 21 की मौत। दुष्कर्म के आरोपों को डोनाल्ड ट्रंप ने नकारा, बोली ये घटिया और हास्यपद कहानी, 2 अन्य महिलाओं ने भी लगाए ट्रंप पर आरोप। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवदेव ने दी जेलेंस्की को मारने की धमकी, क्रेमलिन पर हमले के बाद बड़ा कदम उठा सकता है रूस। यूएस ने यूक्रेन के लिए 300 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की, मजबूत होगी यूक्रेनी सेना। गोफर्स्ट की उड़ानें 3 दिन बंद, यात्री परेशान, 27 घरेलू और 8 इंटरनेशनल रूट पर 200 फ्लाइट चलाती है कंपनी। दस मई से शुरू होगा गूगल आईओ 2023 इवेंट, इसमें पिक्सल 7a के साथ पिक्सल मोड में भी हो सकता है लॉन्च। नौ मई को ओपन होगा नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट का आईपीओ, 17 मई को मार्केट में लिस्ट होंगे शेयर्स, कंपनी के पास 14 शहरों में 17 ऑपरेशनल शॉपिंग मॉल हैं। होंडा ने अपकमिंग एसयूवी का नाम अनाउंस किया, हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा को मिलेगी टक्कर, 6 जून को आएगी कार। एयर इंडिया विस्तारा के बीच इंटरलाइन पार्टनरशिप, एक ही पॉइंट पर पूरी यात्रा का बोर्डिंग पास मिलेगा। रिलायंस जियो ने लॉन्च किया वीआर हेडसेट, 100 इंच की वर्चुअल स्क्रीन पर 360 डिग्री व्यू, कंफर्ट के लिए 3 वे एडजस्टेबल स्ट्रैप। खुदरा निवेशकों का औसत निवेश घटकर 68,321 रुपए, 675 उत्पादकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानक होगा लागू। दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा गोफर्स, 3 से 5 मई तक नहीं उड़ेंगे विमान, डीजीसीए ने किया शोकॉज। वापकोस के पूर्व सीएमडी राजेंद्र कुमार गुप्ता ने उनके बेटे के साथ गिरफ्तार किया गया है, आय से अधिक संपत्ति मामले में एक्शन। जांच के लिए 6 महीने और समय देने में सेबी की अपील का विरोध, पीआईएल याचिकाकर्ता कोर्ट में पहुंचा। जंतर मंतर पर बैठे रेसलर्स बोले अपने पदक लौटाएंगे, देर रात पुलिस से झड़प हुई, महिला पहलवान रोने लगी। मुंबई ने 215 का टारगेट 18.5 ओवर में चेंज किया, सूर्या किशन ने 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से की पार्टनरशिप, पंजाब को 6 विकेट से हराया।
चार साल 249 मैच के बाद आईपीएल मुकाबला रद्द, 19.2 ओवर का खेल ही हुआ, लखनऊ चेन्नई को मिले एक एक अंक। केएल राहुल उनादकट आईपीएल से बाहर, दोनों डब्ल्यूटीसी फाइनल की टीम में लेकिन खेलने पर सन से आईपीएल से अब तक 16 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। चोट से रिकवरी के लिए जिम गए ऋषभ, फोटो शेयर कर लिखा, खेल खिलाड़ी का चरित्र बनाता नहीं उसे सामने लाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने लीटन दास के रिप्लेसमेंट का किया ऐलान, वेस्टइंडीज के जॉनसन को मिला मौका। जीत के बाद रोहित शर्मा बोले, टी20 क्रिकेट अब बदल गया, पहले 150 का स्कोर था, एक अतिरिक्त बल्लेबाज बड़ा फर्क पैदा करता है। आप सांसद राघव चड्ढा के साथ मैच देखने पहुंची परिणीति चोपड़ा, क्रिकेट फैंस लगाते रहे परिणीति भाभी जिंदाबाद के नारे। पिछले सीजन कमेंट्री करने वाले पीयूष चावला मुंबई इंडियंस के लिए बने वरदान, इस सीजन छठ के सबसे ज्यादा विकेट। गौतम गंभीर ने नए ट्वीट से मचाई खलबली, विराट कोहली से बहस वाले मामले से है कनेक्शन। पिंक ड्रेस में दिखी जानवी कपूर मुस्कुराते हुए, दिए पेपरोजी को पोज, फैंस बोले पिंक कलर आप पर बहुत सुंदर लगता है। दहाड़ की टीम ने विजय वर्मा के लिए चुटकी, तमन्ना भाटिया के नाम पर देर तक चढ़ाया। सनी देओल के बेटे करण देओल ने की सगाई, धर्मेंद्र प्रकाश कौर की शादी की सालगिरह के दिन हुई सगाई। शीजान को कोर्ट ने विदेश जाने की इजाजत दी है, खतरों के खिलाड़ी में हिस्सा लेगा शीजान, तुनिशा की मां बोली ऐसे आदमी को महिमा मंडित न करे। वेब सीरीज दहाड़ का ट्रेलर रिलीज हुआ, दबंग पुलिस ऑफिसर के रोल में दिखेंगे सोनाक्षी सिन्हा, लड़कियों के सुसाइड की गुत्थी सुलझाएंगी। महावीर फोगाट ने आमिर से मांगी मदद, बोले रेसलर्स प्रोटेस्ट के बारे में ट्वीट करेंगे तो अच्छा लगेगा, दूसरे स्टार से उम्मीद नहीं। सगाई की खबरों के बीच आईपीएल देखने पहुंचे राघव परिणीति, स्टेडियम में लगे परिणीति भाभी जिंदाबाद के नारे। आठ मेट्रो का ट्रेलर रिलीज हुआ, रोज 8 बजे की मेट्रो पकड़ते हैं गुलशन देवैया, सियामी खेल फिर होती है दोस्ती। संदीप सिंह ने जारी किया मुंह पर कालिख, लगे टीपू का पोस्टर, मैसूर के राजा की हकीकत उजागर करने का दावा। केरल स्टोरी की रिलीज से पहले तमिलनाडु में हाई अलर्ट, बवाल की आशंका के चलते लिया गया फैसला। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।